नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल प्रयास भाई विनोद में। मित्रों, आज के चैनल में हम कुछ आपके संग मन की बात करेंगे। काफ़ी दिन से मन में आ रहा था कुछ चीज़ें अपने मित्रों संग शेयर करें। दोस्तों, जो लोग धार्मिक प्रवृत्ति के हैं या धर्म में विशेष आस्था रखते हैं, पूजा पाठ में विशेष आस्था रखते हैं, ज्योतिष में विशेष आस्था रखते हैं, ईश्वर में अटूट उनका विश्वास है, उन लोगों के लिए कुछ टिप्स हैं या कुछ मेरे मन की बातें हैं जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। दोस्तों, प्रभु में आपका जितना अटूट विश्वास होगा उतना ही आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ होगा और प्रभु आपके हर एक काम में सहाय रहेंगे। लेकिन दोस्तों, हमारे शास्त्रों में जैसा कि लिखा हुआ है कि अगर हम धार्मिक कृत्य करते हैं, अच्छे काम करते हैं, नेक काम करते हैं, परोपकार करते हैं, पूजा पाठ खूब सारा करते हैं, लेकिन उसके साथ अगर हम गलत कृत्य करते हैं तो वो सब बराबर हो जाता है। खास तौर से जब हम लोग बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, और उसके बाद जब हम कभी पार्टियों में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो हम ये सब भूल जाते हैं। इंजॉय करने में, आनंद के चक्कर में हम लोग ये भूल जाते हैं कि हम दैनिक हमारे कर्म क्या थे और हम क्या संकल्प लिए थे। और हम लोग पार्टियों में, शादियों में अक्सर क्या करते हैं, वाइन ड्रिंक का सेवन करते हैं। मित्रों, आपको बताना चाहेंगे, जितने भी लोग, या तो आप धार्मिक कृत्य से जुड़े ना हों, अगर आप धार्मिक हैं, आस्थावान हैं, तो आप ये सब बिल्कुल छोड़ दीजिए। अगर आप एक बार ड्रिंक करते हैं या आप मीट का सेवन करते हैं या कुछ भी आप मांस मदिरा का सेवन कर लेते हैं, तो उसी दिन से आपके पिछले जितने भी किए हुए कर्म होते हैं, जितने भी धार्मिक कर्म होते हैं, जितने भी पुण्य होते हैं, वो सारे क्षीण हो जाते हैं। दोस्तों, इतना बड़ा उससे फल प्राप्त होता है कि जितने भी पुण्य आपने किए हैं, एक दिन आप मांस मदिरा का सेवन करेंगे तो पिछले सारे पुण्य, सारे कर्म आपके विफल हो जाएंगे। फिर उसके बाद लोग कहते हैं कि हम भी भगवान में आस्था रखते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, लेकिन लाभ नहीं मिलता। दोस्तों, दूसरी और बड़ी बातें हैं कि हम लोग ये भी कहते हैं कि हाँ, हमें लाभ नहीं होता, हम अच्छा करते हैं, हम किसी का बुरा नहीं करते। दोस्तों, पाप बहुत तरीके से होते हैं, हम आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। पाप की श्रेणी में तो ये भी आता है कि मैंने आपके लिए सोचा है कि आपको हम मार दें, हमने ये सोचा, पाप हो गया, ये पाप की श्रेणी में आ गया कि हम आपको मार दे, आपका घर बर्बाद कर दे, आपका घर में आग लगा दे, बम छोड़ दे, ये कर दे, ये पाप की श्रेणी में आ गया। लेकिन दूसरी बात, हमारे अंदर जो अंतरात्मा है, परम पिता बैठे हुए हैं, हमारी आत्मा से आवाज़ आएगी, नहीं ऐसा नहीं करना है, उनके भी छोटे छोटे बच्चे हैं, सब लोग कैसे रहेंगे, क्या हो जाएगा। जैसे ही हमारा मन एक सच्चा निर्णय देता है कि नहीं, ये गलत है, अनुचित है, इसको नहीं करना है, तुरंत उसके बाद ये होता है कि उस पाप का क्षमापण हो जाता है। मतलब अगर हम मानसिक सोचे कि हाँ ऐसा कर दें, और तुरंत मेरा मन कहता है नहीं ये गलत है, हमने कहा नहीं नहीं हाँ ये ठीक नहीं है, तो इसका ये क्षमा के योग्य हो जाता है, इसको हम क्षमापण कहते हैं, क्षमापण हो जाता है। इस तरह हम दूसरे के बारे में, पास पड़ोसी, यार, अपने मित्रों, अपने नाते रिश्तेदारों, जहाँ जिस किसी के बारे में हम अनुचित सोचेंगे या गलत उसका सोचेंगे, तो समझ लीजिए कि हम पाप की श्रेणी में आ गए। इसी तरह हम लोग जाने अनजाने बहुत सारे पाप करते हैं जिसका हमें ज्ञान नहीं होता, और उसका भी परिणाम हमें मिलता है। क्योंकि जो भी हम अच्छा बुरा करेंगे, जब भी शनि की महादशा आपकी कुंडली में आएगी मित्रों, आपको अवश्य ही उसका परिणाम मिलेगा। आपने बहुत बुरा किया है तो आपको बहुत बुरा परिणाम मिलेगा, छोटा किया है तो छोटा मिलेगा, लेकिन उसका इस हिसाब जरूर होगा, इंसाफ जरूर शनिदेव करते हैं। जब भी आपकी कुंडली में शनि की महादशा आएगी, तब आपको इंसाफ होगा, आपके किए हुए कर्मों का इंसाफ होगा। तो इसलिए मित्रों, लोग कहते हैं कि हमें जो है, हमने क्या गलत किया था, गलत किया था, जाने अनजाने में भी जितने भी गलतियां होती हैं उन सब का इंसाफ शनिदेव करते हैं। हाँ, इतना हो सकता है कि आप ज़्यादा धार्मिक होंगे, ज़्यादा पूजा पाठ करेंगे, तो जो आपको दंड 100% मिलना है वो 70% हो सकता है, 80% हो सकता है, कम हो सकता है, और फिर अगर प्रभु की इच्छा हो जाए, भगवान भोलेनाथ चाहे, तो खत्म भी हो सकता है, लेकिन वो तो आपके श्रद्धा और भाव के ऊपर है और प्रभु की इच्छा के ऊपर। तो मित्रों, ये सब चीज़ें आप बिल्कुल मत करिए। जो मेरे मन में है, जो मैं व्यक्तिगत रूप से
उसको मानता हूँ वो मैं आपको बता रहा हूँ। और हाँ दोस्तों, एक सबसे बड़ी चीज़ और बताना चाहूँगा कि आप जितने भी आस्थावान लोग हैं, ये लोग सुबह मंजन जरूर करते हैं, सारे लोग करते हैं भाई, ये तो एक हमारा नित्य कर्म है। तो आप सबसे विनम्र अनुरोध है, हाथ जोड़कर अनुरोध है कि आप जितने भी आस्थावान धार्मिक लोग हैं, ये सुबह पेस्ट वाला कोई भी मंजन नहीं करेंगे। क्योंकि आप लोगों ने भी सुना होगा कि ज़्यादातर जितने भी दंत मंजन बनाए जाते हैं उनमें सब में हड्डियों का चूर्ण या केमिकल्स, ये तो स्वाभाविक सी बात है। झाग बनाने के लिए केमिकल होगा और उसको पाउडर करने के लिए जो है हड्डियों का चूर्ण मिलाया जाएगा। तो आप ये मंजन बिल्कुल मत करिए। मैंने पिछली वीडियो में दुनिया का सबसे पवित्र और शुद्ध मंजन के बारे में बताया है, वो आप बना सकते हैं। जो हमारे नज़दीक है उनको हम मुफ्त में भी दे सकते हैं, आइए आपका स्वागत है। तो आप ये नहीं करेंगे, मंजन नहीं करेंगे, आप दातून करेंगे या जो मैंने मंजन बताया है उस तरह का कोई मंजन करेंगे। हमेशा ब्रश से उसमें भी कर सकते हैं। तो इससे आपको जाने अनजाने में जो आपको पूजा का लाभ नहीं मिलता, ये सारी प्रक्रियाएं बंद हो जाएंगी। तीसरा सबसे बड़ा सवाल है कि हम लोग जब कभी बीमार होते हैं, अस्वस्थ होते हैं, तो हम लोगों को डॉक्टर साहब दे देते हैं कैप्सूल। कभी आपने सोचा है कि कैप्सूल किस चीज़ का बना होता है? हम लोग अभी तक सिर्फ यही जानते हैं कि कैप्सूल प्लास्टिक का होता है, खाते हैं अंदर पिघल जाता है। लेकिन मित्रों, सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर कैप्सूल प्लास्टिक का होगा तो सैकड़ों साल, 100 वर्ष तक वो पेट में ही रहेगा, पिघलेगा नहीं। इधर से खाओगे उधर से निकलेगा, लेकिन पिघलेगा नहीं वो, क्योंकि प्लास्टिक पिघलती नहीं है इतनी जल्दी। वो बना होता है जिलेटिन से। आप गूगल पर सर्च करेंगे कैप्सूल किससे बना होता है, आपको गूगल महाराज सब कुछ बता देंगे किससे बना होता है। और जिलेटिन बनता है मित्रों सुअर बछड़ों की आंत से, मींस मांस से। ये मांस से बनाया जाता है, मांस का एक कोमल टुकड़ा होता है जिससे ये कैप्सूल का ऊपर का कवर, जिसके अंदर दवा होती है उसका कवर, जिसको कैप्सूल बोलते हैं, ये बनाया जाता है। अब आप कितने धार्मिक आस्थावान हैं लेकिन अनजाने में आप कैप्सूल खा रहे हैं। इसके पहले मेनका गांधी जी ने भी एक बार इस विषय में बात की थी कि हाँ ये बंद किया जाए, इसको नेचुरल तरीके से, प्राकृतिक तरीके से, पेड़ पत्तियों से जो निकलने वाले अवशेष हैं उससे बनाया जाए कैप्सूल, लेकिन अभी विचार चल रहा है। खैर छोड़िए, आप जो है ये मंजन नहीं करेंगे और ये कैप्सूल नहीं खाएंगे। और दूसरा, अपने घर से चीनी, और चीनी है और आपका ये रिफाइंड, इन सबको भी आप निकाल दीजिए। प्रभु में संपूर्ण विश्वास रखिए, प्रभु सबका कल्याण करेंगे। और हाँ, जितना आपका प्रभु से लगाव होगा उतना ही आपका प्रभु का भी लगाव आपसे होगा। दोस्तों, हमारे जो मित्र होते हैं, जो हमारे बिल्कुल क्लोज होते हैं, उनसे हम रोज़ मिलते हैं तो बिल्कुल घनिष्ठता बनी रहती है। कभी आपने सोचा है कि अगर वही मित्र 10 दिन, 15 दिन, 2 महीने, 6 महीने बाद मिले तो थोड़ी सी दूरियाँ बन जाती हैं? बस यही हाल, यही प्रक्रिया हमारे और भगवान के बीच में होती। हम लोग जितना विश्वास रखते हैं, जितना आस्था बनाए रखते हैं, उतना प्रभु का सानिध्य हम लोगों को प्राप्त होता है और दया दृष्टि बनी रहती है। क्योंकि पूरी दुनिया को चलाने वाले वही हैं, वही परम पिता परमेश्वर हैं जो इस जगत को चलाते हैं। अगर कोई ये कहे भगवान नहीं है तो मैं मानने को तैयार नहीं हूँ। क्योंकि अगर भगवान नहीं है तो कोई एक दिन सूरज को निकलने से रोक दे, चंदा को न निकलने से रोक दे, अपने खेतों में अपने जगह पे मनचाही जगह पे बारिश करवा ले, या किसी मरे हुए इंसान को जीवित कर दे। मित्रों, जिस तरह लोग कहते हैं कि हाँ भगवान नहीं है, किसी ने देखा है, किसी ने देखा हो तो बताओ तब मानेंगे, ऐसा कुछ नहीं, सब आस्था का विषय होता है। हवा को किसी ने नहीं देखा है, किस रंग की है, किस रूप की है, लेकिन हवा को हम लोग महसूस करते हैं। ठीक उसी प्रकार उतने आप योग्य तो बनिए, भगवान को आप देख भी पाएंगे। तो दोस्तों, ये छोटी छोटी बातें थी जो मन में थी, हमने सब सोचा अपने मित्रों संग शेयर कर दें, क्योंकि हमारे आस्थावान धार्मिक जो भी मित्र हैं वो इन सबका पालन करेंगे और प्रभु की दया दृष्टि के भागी बनेंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं एक नए ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।